खबर शामिल करेंगे पसरूर से, जहां नवाही इलाके भगियाड़ी में इस्लाम सेंटर हॉस्पिटल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों का मुफ्त चेकअप और इनको मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस दौरान इस्लाम मेडिकल हॉस्पिटल के एमएस कर्नल रिटायर्ड जफर अली शाह का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस्लाम ग्रुप की तरफ से, इस्लाम मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमने यहाँ ये चौथे मेडिकल फ्री कैंप का एहतमाम किया है और यहाँ पे हम सारे डॉक्टर्स को ले आए हैं और ये पेशेंट देख रहे हैं। फ्री अद्वियात हम दे रहे हैं, फ्री ग्लासेस दे रहे हैं लोगों को, आंखों का चेकअप हो रहा है, लेडी डॉक्टर जो है गायनी का चेकअप कर रही है। और हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि बॉर्डर के और यहाँ के पसमानदा इलाके की आवाम को उनके दहलीज पर फ्री तिब्बी सहूलियात हम फराहम करें। और इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं, ये हमारे कैंप्स का तसलसल है और ये चौथा कैंप हम लगा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हर महीने में हम एक कैंप लगाएंगे। और हमने ये तय किया हुआ है इस्लाम ग्रुप ने कि हम लोगों को उनके डोर स्टेप पे हर महीने एक कैंप लगा के और तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। और लोग माशाल्लाह बड़े मुस्तफीद हो रहे हैं, हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे ENT, हमारे पीट्स के डॉक्टर्स को बच्चे यहाँ चेकअप हो रहे हैं, लेडीज़ के बड़ा देरीना मसाइल हैं वहाँ पे वो चेक हो रहे हैं, हम मेडिसिन लोगों को समझा रहे हैं, दे रहे हैं उनको, और उसके अलावा जो उनको मशवरा दे रहे हैं और उसके अलावा उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कि वो आके मजीद इस्लाम बेजिंग हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह कराएं। और इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। रुख करेंगे लोधरा का, जहां करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा। कैनाल व्यू पार्क के आसपास करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करके काबिज टोला ने कोठियां बना रखी हैं। मजीद जानते हैं।